नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। जिस किसी भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, चार भाइयों के साथ साझा जरूर करना। कल का जो रिजल्ट था, दिल्ली बाज़ार 33 खोल के गया, फरीदाबाद 49, गाज़ियाबाद 22, गली में 26 और दिशावर में 76 पास हुई है। अब यहाँ से हमारी जो कल की क्रॉसिंग थी उस पर बात करूँ तो भैया 33 निकल कर आया, सफल रही बेहतरीन तरीके से। 49 पास हुआ, सफल रही। 22 पास हुआ, सफल रही, विद लोकेशन 22 पास हुई है। जोड़े के ऊपर बताया था कि भैया 22 का खेल और 33 का खेल बेहतरीन रहेगा, और दोनों जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अब किसी ने यहाँ पर 33 का इस्तेमाल किया हो तो लोकेशन के साथ जल्दी से जोड़ी मिल गई होगी। क्रॉसिंग यहाँ पर पास है, खेल बहुत ही बिंदास था, बेहतरीन था, सफलता दिलाने वाला था। और राम जी ने, आपने इतनी कृपा करी, कल तो एकदम कुंडू बाबा चैनल कमेंट बॉक्स से भरा हुआ था, एकदम 100 कमेंट आए हुए करीबन। इतना सारा प्यार, विशेष, इतने सारे, आप सभी भाइयों का दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सभी ने जन्मदिन को सोने पे सुहागा बना दिया भैया, एकदम बेहतरीन दिन रहा कल। राम जी ने भी खूब कृपा करी, लोकेशन के साथ गेम पास हुआ, गाज़ियाबाद में 22। मुझे पता भी नहीं चला, मैं थोड़ा सा व्यस्त था, और बाद में मैंने देखा, मैं यार ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया, प्रभु ने खूब कृपा कर दी। तो गाज़ियाबाद का 22 गिफ्ट था मेरी तरफ से आपको, और जो आपने इतना सारा प्यार दिया मुझे, वो सिर माथे लगा रखा है आपका। आगे भी अपना प्यार ऐसे ही बार बार दिखाते भी रहना और बनाए भी रखना। अब यहाँ से खेल शुरू करते हैं, क्या कुछ आज हम खेल में नया देख सकते हैं, क्या कुछ आज हम खेल में नया हासिल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है अंकों के इस खेल में आज की जो क्रॉसिंग के अंक रहने वाले हैं उसमें आपका नया अंक आज का जो है पहले 6 रहने वाला है। मुझे उम्मीद है कि ये 26 या 76 आपको 6 की संभावनाएं बनाकर देगा, तो यहाँ पर 6 खुलने के चांस अच्छे बन रहे हैं आज। इसके अलावा अपना बेस्ट अंक जो है लगातार काम कर रहा है हमारे लिए, इसको बहुत बहुत शुक्रिया। दुग्गी का अंक आज भी आपके लिए बढ़िया काम करे, यही मेरी प्रार्थना है। 4 का अंक रोज़ाना काम कर रहा है, परमात्मा बढ़िया कृपा कर रहे हैं 4 के द्वारा हम पे, यही सारी चीज़ें आपको मैं हमेशा सिखाता भी हूँ। इसके अलावा 9 का अंक क्या बढ़िया लाजवाब काम कर रहा है, रोज हमें पासिंग दे रहा है, क्रॉसिंग में मिलकर गेम पास हो रही है। इसके अलावा पंजे का अंक है जो कि कल हमने रखा हुआ था लेकिन सफल नहीं हुआ, परसों सफल हुआ था पर कल सफल नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा 7 का अंक रखना चाहता हूँ, जो 26 कह रही है, जो 76 कह रही है, और जो वीरवार का दिन कह रहा है ना, वो इस क्रॉसिंग के साथ चलना चाहता है। अब बात आती है थोड़ी सी क्रॉसिंग पे करें तो कुछ लोग पूछते हैं क्रॉसिंग का सीन कि बाबा जी क्रॉसिंग कैसे निकालते हैं। तो भैया ये तो कला है क्रॉसिंग निकालने की, इस पे कोई ना ट्रिक नहीं बन सकती। अगर आप पूछो कि बाबा जी कैसे निकालते हो, तो ये तो तुम्हारे बाबा जी की कला है थोड़ी सी, और थोड़ी सी परमात्मा की कृपा रहती है कि वो गेम पास हो जाती है, क्योंकि इसमें अंक हर एक प्रकार से निकाले जाते हैं। दिन का ध्यान रखा जाता है, मंगलवार को आपने देखा होगा ज़्यादातर मैं 8 का अंक रख लेता हूँ, सफल भी होता है। इसके अलावा देखना पड़ता है कौन सा अंक रनिंग का है, कौन सा अंक हमारे लिए सफल हो रहा है, तो काफ़ी कुछ इसमें होता है। तो परमात्मा ने बढ़िया कृपा कर रखी है, कुछ सूझबूझ दे रखी है जिससे ये अंक निकलते हैं, गेम पास हो रहा है, आगे भी होगा। आपकी अच्छी अट्रैक्शन, आपकी अच्छी जो माहौल है उसमें जब आप खेल चलाओगे तो आपको पासिंग देखने को मिलेगी ही मिलेगी। ये कल फिर एक बार बेहतरीन उदाहरण था कि आप सब ने इतना बढ़िया पॉजिटिव एनर्जी के साथ वीडियो को देखा, सुना, कमेंट किए, वीडियो को लाइक किया, और आपने देखा होगा कि गाज़ियाबाद में सफलता निकल कर आई थी विद लोकेशन, 4 जोड़ियाँ थी वहाँ पर मात्र, और उसी में 33 भी थी जो दिल्ली बाज़ार को गई थी। तो यही खेल मैं जानता हूँ, और इसी खेल के साथ मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ कि भैया क्या कुछ मैं आपके लिए बढ़िया कर सकता हूँ। आज भी एक बेहतरीन संयोग बन रहे हैं, एक बेहतरीन समीकरण बन रहे हैं। सबसे पहले तो दिल्ली बाज़ार की बात करना चाहूँगा, उसके बाद बताऊँगा कहाँ पर बन रहे हैं वो संयोग, जिसे आप कैच कर सकते हो, अपने पास लिख कर रख सकते हो। दिल्ली बाज़ार में मुझे लगता है कि हमें अपनी क्रॉसिंग से हटके चलना पड़ेगा। यहाँ पर ना 33 आई हुई है, 33 के बाद जो कंपनी रिजल्ट खोल सकती है उसमें आपका एक तो 37 खुलने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर दुग्गी तिग्गी के साथ सटीक बैठने के चांस बन रहे हैं।
इसके अलावा कंपनी की तरफ से 53 देखने को मिल सकती है। तो ये तीन जोड़ियां बन रही हैं जिसमें हमारी क्रॉसिंग की तिग्गी नहीं, भैया क्रॉसिंग में ना तीन का अंक नहीं है। अगर आप दिल्ली बाज़ार में क्रॉसिंग इस्तेमाल करो ना तो मेरे कहने पर तीन जोड़ियां ये वाली इस्तेमाल कर लेना, वरना दिल्ली बाज़ार में क्रॉसिंग मत इस्तेमाल करना, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ भी ऐसा लगे कि ये थोड़ा सा अटपटा हो रहा है तो उसे उसी टाइम पे छोड़ दो, क्योंकि जब तक आप अच्छे से फैसला नहीं ले पाओगे, फैसला कंफ्यूज होकर लोगे तो काम बनेगा नहीं। क्योंकि जब भी काम बना है, चाहे मैंने पर्सनली अपने आप को इस चीज़ से देखा हो, तो वो काम कब बना है कि एकदम श्योरिटी होती है कि इसके बाद ये जोड़ी खुलने के चांस है, खेल दे गुंडू बाबा। तो ऐसा ही दूसरे लोगों के साथ भी होता है। अगर आप कंफ्यूज हो गए, अगर आप थोड़ा सा ढूंढने लग गए चीज़ों को, तो चीज़ें ढूंढने से नहीं मिलती, चीज़ें हमेशा सामने दिख जाती हैं। तो वो चीज़ें हमें अंकगणित में देखने को मिलती हैं। मैं यहाँ पर आपको तीन का अंक रखने को कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पर तीन के अंक के साथ चलें। अगर क्रॉसिंग दिल्ली बाज़ार में नहीं खेलनी हो ना खेलें, क्रॉसिंग अगर पास हुई तो मैं ज़रूर पास लिखूंगा कि भैया देखो दिल्ली बाज़ार में क्रॉसिंग पास है, लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता जो रह सकती है खेल के हिसाब से चलने की। क्योंकि अगर हम ट्रेंड को, पैटर्न को नज़र में रखकर उसके हिसाब से चलेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि हर एक चीज़ इस खेल में अहम रोल निभाती है। तो दिल्ली बाज़ार कवर कर ली है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब यहाँ से जो मैं आज एक बेहतरीन संयोग की बात कर रहा था वो पहुंच रहा है फरीदाबाद को, ठीक है जी, वो पहुंचेगा गाज़ियाबाद को। लेकिन पहले फरीदाबाद में नोट कर लेते हैं चीज़ों को। फरीदाबाद में आपके लिए मुझे लगता है कि 49 के बाद 40 खुलने की संभावनाएं बन रही हैं, ठीक है। अब एक चीज़ आप यहाँ पर ये याद रखना कि भैया कंपनी ने 40 ना काफ़ी टाइम से खोली नहीं है, तो भैया अगर चांस बना है तो हमें इसे लेकर चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि भैया 40 ना खुल के कुछ और सिस्टम रखना चाहिए तो 45 कवर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अगर 40 नहीं खोल ली तो 45 भी खोल सकती है, इसकी राशि का खेल है। तो सबसे पहला खेल यहाँ पर ये बन रहा है, अगर आपके समझ में आता हो तो, ये खेल एक ट्रिक का खेल है कि भैया इसके बाद ये खुलता है, इसके बाद ये खुलता है, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। अब यहाँ पर जो खेल दूसरा निकल कर आया है वो निकल कर आ रहा है कि भैया 38 काफ़ी अच्छी रह सकती है, इसके साथ में आप 29-92 की तरफ भी रुक कर सकते हो, ठीक है। तो ये खेल निकल कर आ रहा है फरीदाबाद के लिए, ये हमारी ट्रिक जोड़ियाँ हैं। अगर ये काम कर गई तो भैया बल्ले बल्ले है, अगर ये काम नहीं करती तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें तो खेल आजमाना ही है, हमें तो कुछ ना कुछ तो निकालना ही है ना, गैसिंग करनी है, तो वो चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर वो समीकरण के हिसाब से बने, अगर वो संयोग हमारे पिक करके बनाए गए कि भैया संयोग चुनकर बनाए गए हैं, तो वो काम हमारा अच्छा निकल कर आ सकता है। अब यहाँ पर हरूफ में 49 के बाद बाहर का नहला हमें 0 देने की संभावनाएँ बना रहा है, तो बाहर के नहले के बाद 0 खुलने के चांस है, वो 40-45 के साथ कवर किए गए हैं। इसके अलावा सबसे रहने वाला है नहला, जो कि आपके लिए किफ़ायती रह सकता है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट कर ली होगी कि भैया मैंने आपको 0 इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पर एक सॉलिड हरूफ 0 भी निकल कर आ रहा है। अगर बाहर का नहला 0 लेके आ गया तो फिर हमें जब ये चीज़ें पता हैं तो क्यों ना इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाया जाए। 40 बेस्ट बन रही है, कोई 90 बनाना चाहता है तो 90 बना सकता है। जोड़ी अगर 6 बन जाए, 7 बन जाए, 8 बन जाए, कोई भी भाई निराश ना हुआ करे, क्योंकि जब तक गेम तुम्हारी 10 जोड़ी 8 जोड़ी में नहीं जाएगी ना, तब तक सफलता पाने के जो तुम्हारे चांस हैं वो कम रहेंगे। कल गाज़ियाबाद में भी 5 या 6 जोड़ियों का खेल था, 22-33 थी जोड़े की गेम हो गई। इसके अलावा हमने 38 और 42 निकाल रखी थी, 38-42 4 जोड़ी हो गई अलट पलट के साथ, 2 जोड़ी हमारी वैसे हो गई, 6 जोड़ियों का खेल हो गया, 6 जोड़ियों में जाके पासिंग आई है। तो भाई यही चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। सिंगल विंगल तो कुछ भी नहीं होता, कभी कभी बेहतरीन शॉट लग जाते हैं, लेकिन कई बार नहीं ज़्यादा से ज़्यादा बार हमें इसी तरीके से चलना पड़ेगा। अब गाज़ियाबाद में खेल समझ लो, गाज़ियाबाद में भी 22 के बाद 40 के समीकरण बन रहे हैं। अब देखो अगर ये जोड़ी खुल गई ना आज तो मज़ा आ जाएगा। इसके साथ मैं 45 भी रखी दूँ, क्योंकि भाई अगर 45 खुल गई और मैंने यहाँ ना लिखी तो फिर एक होता है ना कि कुछ चीज़ें दिखाने के लिए भी ज़रूरी होती है ना, कई बार थंबनेल का यूज़ हो जाता है कि भैया गेम पास हो गई, थंबनेल होता है जिससे कि लोग देखें कि हाँ यार बाबा जी सही कह रहे हैं, गेम इनका पास हुआ है, अच्छा गेम बताया था इन्होंने। तो ये सब चीज़ें मेरा काम है करने का, आपका तो नहीं है। अब यहाँ से 22 के ऊपर 66 रखना चाहता हूँ, लगातार यहाँ पे कंपनी जोड़ा खोल रही है, 44 खोला, फिर कल 22 खोल दिया, अब 66 भी लेके चलते हैं, क्योंकि 66 खुलने को तैयार बैठी है, किसी भी घड़ी 66 खुल सकती है, अच्छे चांस हैं इसके। इसके अलावा 22 के ऊपर 93 रख रहा हूँ, ठीक है जी, वो मैंने यहाँ से निकाली है, चांस अच्छे बन रहे हैं।
चारों ही जोड़ियां टॉप क्लास हैं, ये ट्रिक जोड़ी बन रही हैं, ये पैटर्न की जोड़ी बन रही है। 22 के बाद क्या कुछ निकल कर आ सकता है, मैं नहला यहाँ पर भी प्रीफर करूँगा। 22 के बाद मुझे लगता है दुग्गी के ऊपर नहला अच्छा बन रहा है, तो अपना देख लेना। यहाँ पर हरूफ में ना मैं गाज़ियाबाद में ज़्यादा श्योरिटी रखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ना हमेशा दिखता है कि गाज़ियाबाद अपने हरूफ रिपीट ही नहीं करता। अब 44 के ऊपर इसने 44 में 44 रिपीट कर दिया, अन्यथा आप देख लो जाके 10 दिन 15 दिन 20 दिन जितने मर्जी दिन का खेल देख लो, 2 दिन से 3 दिन से ज़्यादा रिपीट ही नहीं करता। बाकी हर कंपनी अपने अगर अंक एक बार इस्तेमाल कर लेना तो 2-2, 3-3 दिन लेके चलती है, यहाँ पर थोड़ा सा अलग चलता है। तो इसलिए थोड़ा सा खेल जो समझ में आता है वो बता देता हूँ, जो चीज़ें समझ में नहीं आती उससे अपना मुंह मोड़ लेता हूँ आपको बता कर कि भैया मेरे समझ में नहीं आ रही, अपने आप देख लेना। अब गली की तरफ चलते हैं, गली में क्या कुछ बेहतरीन रह सकता है। तो गली में आपके लिए 26 के ऊपर 3 जोड़ियों का बेहतरीन समीकरण निकल कर आया है कि भैया 25 खुलने की संभावनाएँ बहुत अच्छी बन रही हैं, 65 खुलने की संभावनाएँ बहुत अच्छी बन रही हैं, साथ में 67-76 खुलने की संभावनाएँ बहुत अच्छी बन रही हैं। कई दिन हो गए दिशावर ने जो रिजल्ट खोला है गली ने वो उठाया नहीं है, वरना पिछले महीने जाके देखोगे तो 2-3 बार ऐसा हुआ था कि जो दिशावर ने रिजल्ट खोला वही गली ने उतार दिया। तो अब 67-76 जो है वो ये कह रही है कि रिपीट हो सकती है जोड़ी, चांस है। यहाँ पे 6 के अंक के साथ जाना चाहूँगा, अच्छे समीकरण है 6 के यहाँ पर, तो 6 के साथ 65 और 67 टॉप क्लास है। अगर दुग्गी रिपीट हुई तो 5 के साथ बेहतरीन बनने वाली है 25-52 के साथ। 3 जोड़ियों में सुपर खेल जो रह सकता था वो आपके सामने रख दिया है, इस पर एक बार नज़र मार लेना, बढ़िया ये काम कर सकती है। अब फटाफट से दिशावर का खेल कवर कर ले रहे हैं, दिशावर में क्या कुछ बेहतरीन रह सकता है। तो दिशावर को जा रहा है मेरे हिसाब से 76 के ऊपर 17, इसके अलावा 60, इसके अलावा 75। यहाँ पर ये 3 जोड़ियाँ निकल कर आ रही हैं 76 के बाद, 76 की फैमिली का हो गया 70। 76 में 6 का अंक 0 के साथ लगने के चांस बन रहे हैं, समीकरण बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा ये। इसके अलावा एक 75 बन रही है, ठीक है। तो ये 3 जोड़ियों का खेल बना है, पसंद आया हो समझ में आया हो तो इस्तेमाल कर लेना, कुछ भी अपडेट बनेगा तो साझा ज़रूर किया जाएगा। अब थोड़ा सा फ्री हो गया हूँ चीज़ें, ये महीना थोड़ा त्यौहार का रहा था, रक्षाबंधन, उसके बाद अपना 15 अगस्त, उसके बाद कल जन्मदिन भी था, अब आज और कल जन्माष्टमी भी रहेगी, कई जगह पर आज भी जन्माष्टमी पूजी जाएगी, कई जगहों पर कल पूजी जाएगी। तो भैया भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाएंगे बढ़िया से, भगवान हम पे कृपा करें, आप सभी के साथ बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट के रूप में कृपा हो, यही मेरी प्रार्थना रहेगी प्रभु से। कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, बहुत सारा प्यार।